गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फाइनल सिलेक्शन। और आज हम एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का एनालाइज करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लिचेंस आर वेल नोन एज सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ। लिचेंस किसके प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एयर पॉल्यूशन के प्रति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, या टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है कैरोलस लिन्नेउस। कैरोलस लिन्नेउस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, येन किस देश की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा है येन। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमान रॉबर्ट क्लाइव ने संभाली थी और बंगाल का नवाब उस वक्त सिराजुद्दौला हुआ करता था। ये युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कब स्थापित हुआ था? तो ये 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था और ये यूएसए की मदद से लगाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच है? तो ये यूएसए और कनाडा को अलग करती है, 49 पैरेलल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, बार्क का मुख्यालय किस राज्य में है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये रविंद्र भवन दिल्ली में है और इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी और इसमें 24 भाषाओं को रखा गया है। 22 भाषा इसमें 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं आती हैं वो हैं, उसके अलावा 2 भाषाएं इंग्लिश और राजस्थानी को भी इसमें रखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये आती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था और इसमें एमएन रॉय ने ये मांग रखी थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना है जो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इनमें से कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो उसमें वहाँ पर ऑप्शन बड़ी आंत था, लेकिन इसके अलावा धमनी, शिराएं, कैपिलरीज और हर्ट भी इसका हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो बॉयल्स लॉ के अनुसार ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एनएनपी का फॉर्मूला क्या है, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला क्या है? तो ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रॉफिट होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट माल्य माइनस मूल्यह्रास। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड के राज्य के टिहरी जिले में, उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में टिहरी जल विद्युत परियोजना है और ये भागीरथी पर बनाई गई है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि 260 फीट ऊंचा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश ने लॉन्च किया? तो ये रूस ने लॉन्च किया था 19 मई 2018 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, लेज़र की फुल फॉर्म क्या है? तो लेज़र की फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, CO14 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो CO14 का आयोजन भारत के ग्रेटर नोएडा शहर में किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, शिशु से लेकर 50,000 तक और किशोर में 5,00,000 तक कौन सी योजना के अंतर्गत लोन दी जाती है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये लोन दी जाती है। तो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।